अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप गर्मी से परेशान हो गए हैं और कुछ रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाकर पीना चाहते हैं जो आपकी बॉडी को ठंडक देने के साथ साथ हेल्दी भी हो, तो आमपना बेस्ट ड्रिंक है। यह आसानी से बनने के साथ साथ हेल्दी और टेस्टी भी होता है, तो इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को ज़रूर बनाइए और गर्मी को दूर भगाइए। यहाँ पर मैंने लिया है कच्ची कैरी, 3 मीडियम साइज के कैरी को ले लेंगे। 2 ग्लास पानी डालेंगे, तो कैरी के हिसाब से पानी डालना है हमें, बस कैरी डूब जानी चाहिए पानी में। अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगाकर इसमें 3 सीटी आने तक इसे हम गलाएंगे। तो कैरी अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो पानी है हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे आम पन्ना बनाने में यूज़ करेंगे। तो कैरी ठंडी हो चुकी है, अब हम एक स्पून से कैरी के छिलके और गुठली में से सारे पल्प को निकाल लेंगे, या फिर हम हाथों से भी मसल मसल कर सारे पल्प को निकाल सकते हैं, इस तरह से अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारा पल्प निकाल लिया है, अब हम इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पुदीने के पत्ते, 1 कप शक्कर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आम पन्ने का कॉन्सेंट्रेट रेडी हो चुका है। आप इसे एयरटाइट बॉटल में स्टोर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, और जब भी आपका जूस पीने का मन हो आप इसे इंस्टेंट जूस बना सकते हैं। जूस को और टेम्पटिंग बनाने के लिए हम ग्लासेस को डेकोरेट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक और मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे, ग्लास को हम लेमन जूस से रब कर लेंगे और इस तरीके से हम ग्लास के ऊपर इसे लगा लेंगे। तो हमारे ग्लासेस रेडी हो चुके हैं। ड्रिंक को सर्व करने के लिए हम थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे। 3 से 4 पुदीने के पत्तियों को इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून आम पन्ना के कॉन्सेंट्रेट को डालेंगे। 1 ठंडा पानी डालेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी और रिफ्रेशिंग आम पन्ना ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को ज़रूर बनाइए और गर्मी को दूर भगाइए। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।